बनने का मन, टारगेट क्या था, गोल क्या था? सभी जैसे कि टॉपर होते हैं उनका गोल तो आईएएस होता है, सिविल सर्विसेज करने का। मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है, मेरा गोल छोटा सा और एकदम मुझे अच्छा लगता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने बायो सब्जेक्ट चूज किया है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की से जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर की 10वीं की टॉपर निकिता चौधरी की, जिसने अजमेर बोर्ड की परीक्षा में 99% अंक हासिल करके जिले में टॉप किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल से दूर रह पाए, लेकिन निकिता चौधरी ने इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रख कर दिखाया है कि असली सफलता कैसे पाई जाती है। निकिता ने नियमित रूप से 6 से 8 घंटे पढ़ाई की और परीक्षा के दिनों में यह समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया। सुबह से जब इंतजार था तो रिजल्ट आने वाला और जब क्लिक किया मोबाइल या कंप्यूटर में, तब देखते कैसा लगा? इतनी खुशी हुई, आप तो चेहरे से देख ही सकते हैं, खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। और ऊपर से घर वालों को गर्व हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। तो क्या शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई का? शेड्यूल जो था रेगुलर, जैसे कि रेगुलर पढ़ाई, ऐसे नहीं कि कभी 2 घंटे कर ली, कभी 6 घंटे कर ली, ऐसे नहीं। रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलता है, जो कि आज देख रहे हैं आप, अच्छा है। और घर वालों की जो आशीर्वाद, ऊपर से गायत्री माता है साथ में, तो बस। मतलब जो टॉप पे जो नाम है उसमें आपका नाम सुना है, उस बात की कितनी खुशी है घर वालों की? ऐसे तो हमारे क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बट उनको भी क्रैक करके आगे जाना और टॉपर में नाम लेना, वो भी, इसकी तो और भी ज्यादा खुशी है। गम इस बात का है कि हिंदी में जो नंबर कटे हैं उनको चांस तो नहीं थे, बट पता नहीं कटे हैं तो। इंग्लिश में 2 कटे, हिंदी में 4 कटे। इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में कटे हैं। मैथ्स में 2 कटे, मैथ्स में 2 कटे हैं। आंसर की देखी थी उसमें तो सारे आंसर्स मैथ्स में सारे राइट थे, बट पता नहीं कैसे कटे। हिंदी में जैसे कि चांस अगर बनता है तो उसका, जैसे कि विज्ञापन में अगर कटा हो तो 1 कट सकता है, बाकी 4 नंबर बहुत कम चांसेस है। वैसे हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसमें कटने के चांसेस रहते ही है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? हमारी क्लास में 44 स्टूडेंट्स थे। तो इन 44 में से आपने क्या अलग किया जो आप टॉप पे हैं और वो बढ़िया वो भी कर गए लेकिन टॉप पे नहीं? ऐसे क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं, मयूर तो सभी टेस्ट से ही जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं। ऊपर से टीचर्स ने जो सपोर्ट किया, उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया है, उसकी जो आज रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। सभी बहुत अच्छा स्टूडेंट, सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। कोई कोई अभी सीकर है, कोई अभी कोटा है, उनका भी रिजल्ट आई होप कि बहुत अच्छा है, और मुझे पता है उनका भी बहुत अच्छा है, बट उनमें भी मेरा नाम है तो उसकी एक खुशी अलग ही है। तो रेगुलर रूटीन जो डे थे उस टाइम और जिस वक्त एग्जाम थे उस टाइम, दोनों के शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ था या सेम चल रहा था? नहीं, यूं एग्जाम के टाइम प्रेशर ज्यादा होता है, बट उस प्रेशर को कम करके अपन रेगुलर स्टडी करें। जैसे कि पहले अगर मैंने 5 घंटे की है तो एग्जाम के टाइम मैंने 6 घंटे कर दी होगी। और नींद तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं घर में सबसे ज्यादा मैं सोती थी एग्जाम के टाइम भी और पहले भी। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी सेहत का ध्यान तो मम्मी रखती है, जिसकी एग्जाम के टाइम तो मम्मी ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था मेरा, और मम्मी घर वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। घर वाले क्या करते हैं? मम्मी तो एक रेंजर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एंड पापा लेक्चरर है। मम्मी पापा में से दोनों में से ज्यादा सपोर्ट किसका रहता है? ये तो मम्मी पापा दोनों का रहता है, बट पापा और मम्मी दोनों ड्यूटी पे ध्यान देते हैं, तो मुझ पे ध्यान यूँ एग्जाम के टाइम पे बहुत दिया था। और मम्मी जैसे कि गर्ल्स यहाँ पे हमेशा घर में जैसे कि थोड़े बहुत काम होते हैं, मम्मी ने वो भी बहुत काम कम करने को दिया कि बेटा आप पढ़ो। क्या 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 बनने का मन, टारगेट क्या था, गोल क्या था? सभी जैसे कि टॉपर होते हैं उनका गोल तो आईएएस होता है, सिविल सर्विसेज करने का। मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है, मेरा गोल छोटा सा और एकदम मुझे अच्छा लगता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने बायो सब्जेक्ट चूज किया है, और अब देखते हैं।
पापा के हाथ में कलम रहती है, मम्मी के हाथ में पशु वन गणना रहती है, तो दोनों में से प्यार ज्यादा कौन करता है? माँ की ममता तो सबसे अलग ही होती है, और पापा का तो कुछ कह नहीं सकते, पापा हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। एक पापा की परी, जो कि आप वर्ड सुनते हैं, और वो पापा की परी, पापा की परी नहीं, पापा ने अपनी मुझे राजकुमारी जैसे बड़ा किया है। ये पापा की राजकुमारी, पापा की बेटी, पापा को सबसे ज्यादा बेटी अच्छी लगती है, भले बेटा हो बट बेटी अलग ही होती है। ये है कि बदकिस्मती से मेरा कोई भाई नहीं है, बट घर का प्यार तो हमें सभी में मिलता है। मेरी एक छोटी बहन है, उसे भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, वैसे छोटों को सबसे ज्यादा मिलता है, बट हम इक्वल है। तो मम्मी जिस उसकी खाकी वर्दी पहनती है, उस वर्दी को देख के लगता नहीं सर हाँ ऐसी सर्विसेज में जा रहे हैं? नहीं, पहले मेरा छोटी थी तब भी मुझे, पहले सबसे छोटी थी तब टीचर्स को देखते थे ना, तो मैम वगैरह यहाँ साड़ी पहन के आती थी, तो मुझे बहुत शौक रहता था कि हमेशा न्यू ड्रेसेस पहनूंगी और टीचर बन जाऊंगी। बाद में सोचा कि डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर सभी की हेल्प करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स वगैरह की, और हमारे फैमिली में लगभग कोई डॉक्टर है भी नहीं आज तक। और वैसे तो सिविल सर्विसेज में मम्मी, पहले पापा पुलिस में थे कांस्टेबल, और अभी मम्मी है, मम्मी के भी 2 स्टार्स है, तो बहुत हमारे घर में वर्दी वाले तो है ही ऑब्वियसली। एंड बाकी सभी का गोल होता है सिविल सर्विसेज, मेरा 8th में मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज कभी देख लेते हैं, बट बाद में सोचा कि नहीं, मेरा जो गोल है पहले उसे कंप्लीट करते, और अगर बाद में फ्री हुए और मन में यूँ लगा कि हाँ मैं सिविल सर्विसेज भी कर सकती हूँ, तो डॉक्टर बनने के बाद में जरूर ट्राई करूंगी। अब बात कर रहे थे पापा की परी की, खूब सारी पापा की परियां हैं जो इंस्टाग्राम पे अच्छी पड़ी है, उनको क्या कहना था? उनको यही कहना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर रहे। हमारे घर में ये है कि फोन बहुत, मम्मी बहुत कम चलाने देती है, बिकॉज मम्मी बोलती है कि बेटा पढ़ो, फोन तो आगे आप देख ही सकते हो, आप अपनी जॉब लगो, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, बाद में तो फोन आप ही का है, आप और ये आपका फोन। और इसलिए फोन चलाया होगा बट बहुत कम चलाया है, और जैसे कि पॉजिटिव न्यूज देखना, पॉजिटिव नोट्स देखना, और पॉजिटिव क्लासेस, जैसे कि कोई भी क्लास में, जैसे कि इधर मयूर में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ भी लेते हैं, और बट घर में अगर उस टाइम, जैसे कि रात को हम पढ़ रहे होते हैं, बट उस टाइम सर को कुछ पूछना हो तो वो तो हम अगले दिन पूछते हैं, बट अगले दिन अगर एग्जाम है तो फिर फोन से भी देख सकते हैं, फोन से भी। और फोन आजकल नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव लो तो अपने लिए बहुत अच्छा है, नेगेटिव में तो पूरी दुनिया ही खराब है। नेक्स्ट ईयर भी बच्चे 10th का एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही है कि स्टार्टिंग में भी आप अगर जैसे कि 2 घंटे, ज्यादा नहीं बस 2 घंटे, हमेशा आपको जो पढ़ा है ना, जैसे कि आज एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे कि एसिड एंड बेस पढ़ा दिया, तो एसिड एंड बेस को उनमें भी डाउट क्लियर करके घर जाके खुद से नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स बनाए, तो शॉर्ट नोट्स वो एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प करते हैं, और मैंने भी बनाए थे तो मुझे पता है उनका बहुत बहुत हेल्प रही है। और क्या बोले, स्कूल का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब 6th में कोरोना आ गया था, मेरी 6th में, तो 6th 7th 8th ये तो कोरोना में ही गए थे, तो उस टाइम मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स लिए थे, उनका भी बहुत अच्छा, जैसे कि उससे मैं पीछे नहीं पिछड़ी, हमेशा बराबर ही रही। और 9th एंड 10th में स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत, और टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट है, क्लासेज लेने, पेरेंट्स मीटिंग, एंड घर पे भी आते थे सर की, घर पे भी देखने की घर में ये पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, इसका क्लासरूम कहता है, ये बेड पे पढ़ती है या टेबल पे पढ़ती है, ऐसे टीचर्स भी आते थे देखने, घर पे आते थे। और जैसे कि अब ऐसी कोई स्कूल शायद ही होगी कि उनके घर पे जाए टीचर्स, यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं टीचर्स। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।